बगैर कान वाला खोता क्या बना रहे आजकल जिसने नहीं देखा सुने ना एक शहर है पानी के अंदर आप दिखाते हैं जाके नहरा वाला शहर ओला शहर मनु नहर वाले पुल पे बुला मछियां वांगू में जाके रेडियो उठे जाके मुंह नाल मच्छी फड़ के खाएगा तनु लो भाई लड़को हम पहुंच चुके हैं वेनेजिया वेनेजिया मतलब वीनस वाटर सिटी आ चुके हैं हम पहुंच चुके हैं तकरीबन अभी आपको आगे जाके दिखाते हैं कैसा है ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं एकदम मर चुके हैं दोबारा रीका से आ रहे हैं यार दिन कितना स्मार्ट लग रहे हैं तुम्हारे जो तेरा भरा सोना लग रहा है सब तो चंगा मैं भी सोना लग रहा है मेरा कैमरा ना मेरे कैमरे में मैं सोना लग रहा है अभी कितना सोना लग रहा है मां की नजर से देख रहा है बताओ कौन ही ज्यादा प्यारा लग रहा है ब्लॉग और को जबरदस्ती हम ब्लॉग की तरफ लेके आ रहे हैं ब्लॉग मानता नहीं कहता मैंने ब्लॉग बनाना है सो आज इसको जबरदस्ती हम लेके आए हैं वो इधर फोकस कर रहे हैं उधर ही जंदे ही अच्छा ब्लॉगिंग का नुमान को बहुत ज्यादा शौक है जो ये छोटा भाई है ना चलो जी ये आ चुके हैं ब्रिज सारे कैमरे कटो इसके राइट लेफ्ट है पानी वाटर सिटी यहाँ से शुरू हो रहा है समझ रहे हो समझ लो पबजी के हम वो ना सब समझे जो पुल से जो पुल नहीं आता बिल्कुल थोड़ा दो पुल है ना ये वो है ये देखो ये मैं बताता चलूं ये हम जिस रोड पे चल रहे हैं ना ये हम पीछे एक शहर छोड़ के आ गए हैं एक आगे पानी के अंदर शहर है उस पानी के शहर को और पीछे वाले को मिलाने के अंदर ये जो पुल जिसके ऊपर हम गुजरे हैं ना यही है समझे ये पुल जो है ना इसमें पानी के ऊपर तैर बिल्कुल ये पुल ये कनेक्शन है ये दूसरे सिटी के अंदर साथ जो पानी के अंदर है सारा ये आ चुके हैं वीनस ये है वीनस का पार्किंग के ऊपर ही है यहाँ से मैंने कहा ऊपर का आपको व्यू दिखा दूँ आगे जाके देखते हैं यहाँ से फेरी वगैरह पकड़ते हैं तो फिर आगे जाते हैं पैदल का भी रास्ता है ये देख रहे हो यहाँ से सारा पैदल का रास्ता ये जो पुल है ना इसको ये शीशे के पुल से ग्लास पुल के नाम से ना ये मशहूर है यहाँ का ये सारे नीचे ग्लास लगा हुआ है इसके ना भाभी जाके दिखाता हूँ यहाँ सारा ये पैदल रास्ता जाते हैं बेसिकली हम शहर में आ चुके हैं देख रहे हो ये सारा पानी है ये फरारी गुजर रही है जी कितने गया फरारी ये फरारी लेटेस्ट मॉडल लो जी हम आ चुके हैं यहाँ पर अब दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने को क्योंकि वेनेजिया आया तो आइसक्रीम नहीं खाई तो मतलब कुछ भी नहीं खाई यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है तो हम सारे आइसक्रीम खा रहे हैं निशाना बिजी है निशाने लड़कियाँ तो मैसेज आ रहे हैं उन्होंने रिप्लाई दे रहे हैं मैं लेने वाला हूँ मिफा उन्हें फ्राक बोला यार फ्रागुलो नहीं कहते नहीं भूल गया इंग्लिश स्ट्रॉबेरी यार लफ्ज़ भूल गया था ये ना कहना पे हिंदी सीरियन पार्ट है लफ्ज़ भूल गया था जेन में से निकल गया समझ रहे हो ना तो ये हैं जी गलियां आ गई हैं लड़को देखो चेक करो ज़रा ये कैसे घूम गया है बनवाना यार ये बोट है ये चप्पू वाली जो बोट नहीं होती है वो है देख रहे हो ये सारी गलियां यार मतलब कहने का मकसद ये है ये कितने सौ साल पहले का बना हुआ है सारा शहर और समझ रहे हो मतलब कैसे इन्होंने बनाया होगा कैसे कैसे ये पूछेंगे कि ये रेंगल का वाटर सिटी है समझ रहे हो ना इतने कोई ना कोई कैंपिंग कर रहा होना बैक ओए वो कहते नहीं रेड कार है वो रेड कार वो इसके ऊपर ये इस सिटी के ऊपर कौन सी गेम बनी है वो कौन क्या नाम है असैसिन क्रीड गेम जिसको पता ना वो इसी शहर के ऊपर बनी हुई है सेकंड पार्ट ये मेरे भाई को पता है ये वो गेमें खेलता रहता है लो जी यहाँ पर बन रही है जी वीडियो अच्छा ये जो दीवारों पे लिखा है ना ये ना समझना कि पता नहीं किसी ने इश्क मशूकी चाह के थे लिखी हैं दीवारा ये आर्ट है समझ रहे हो ये आर्ट की हुई है ये ना समझना कि किसी लड़कियों का नाम लिखा हुआ है किसी निशाने की किसी ये कुछ लिखा हुआ है ये क्या लिखा निशानिया पढ़ी कुड़ी का नाम लिखे किसी लड़की का नाम लिखा किसी मरीन मेरे घर का कोई सस्ता आशिक लिखती है हाँ ना उन्हें पता ब्याह तो होना नहीं तो ये हम जा रहे हैं बोट की तरफ यहाँ पे आएगी बोट समझ लो यहाँ पर ऐसे बोट आएंगी देख लो जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान चलते नहीं चिंचियाँ रक्षे इस तरह यहाँ पे बोटें चलती हैं देख रहे हो ये समंदर है सारा ये आ गया जी ये पार्किंग लग रही है कहते हो आप बस कह लो या चिंची कह लो या रिक्शा कह लो जो भी कह लो क्योंकि यहाँ पर यही चलती है ये जिस तरह गलियाँ नहीं होती है रोड होते हैं जिस तरह ये यहाँ पर यही है गली नहीं कहेंगे इसको रोड कहेंगे गलियाँ आगे दिखाता हूँ जो पानी के अंदर है ये रोड है जिस तरह एक दूसरी आ रही है
ये टैक्सियां जा रही हैं, देख रहे हो ये टैक्सियां। और यहाँ पर अभी रेडियो निशाना वो टाइटैनिक वाला पोज भी बनाएंगे। लो जी, हम आ चुके हैं ये बोर्ड के अंदर बैठ गए फाइनली। पहले उतार दिया था, उन्होंने कह रहे थे मास्क नहीं है, मास्क अंदर बैठ के ज़रूरी है, वैसे बाहर नहीं ज़रूरी मगर अंदर अगर बैठने तो ज़रूरी है। तो अब हम जा रहे हैं आगे, यहाँ पर ना सेंटर है प्यासा सन मार्को नाम है उसका, बड़ा प्यारा है, मैं जाके दिखाता हूँ। सारे खड़े हैं, माझी भाई बैठ चुके हैं, समझ रहे हो ना, ये चल पड़ी है बोर्ड, देख रहे हो ये, इसको देखो कितने मज़े से बैठा हुआ इंजॉय कर रहा है, बाकी देख रहे हो। कोई चर्च आया है इनका, यहाँ म्यूजियम है शायद, नहीं चर्च है जो, या हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले अपने स्टॉप पे जहाँ पर हमने उतरना है, वहाँ पर इसका सेंटर है अभी ये शहर का। चलो जब चलते हैं हम आगे। जना साहब और किस तरह लगा फिर विनीस? मैं दूसरी दफा आया पर मैंने डीप नहीं किया, पहली दफा जो आया ना मैं, पहली बार इतने तक आया था, अच्छे तक मैं पीछे चला गया, वापस चले जा। अच्छा लड़को ये देखो, ये है गलियाँ, समझ रहे हो जिमें वो गलियां नहीं जी। अच्छा पाकिस्तान के भैन जी लोग गलियां बांटे खेलते हैं, इतने खेलते होंगे पाकिस्तान ऐसी गलियां होती होंगी जी, तो बारिश हुई है हां ना, नहीं भाई साहब पाकिस्तान लोग बांटे खेलते हैं गलियां, इतने खेलते होंगे भैन दी सीरी अते पढ़न पढ़ाई मच्छियां पड़ो जी नहीं पड़ी जाती हैं। अच्छा भाई यहाँ पे देखो ये बना रहा है पेंटिंग हाथ से, समझ रहे हो, बहुत अल्लाह पेंटिंग बना रहे यार, ये कितने बनानी दसो, मैं इतने ऑर्डर लावा। व्लॉगिंग शुरू कर लिया या नहीं ये बता। यार व्लॉगिंग बस हादसा के तौर पे लेजेंड आया स्पेशल इटली व्लॉगिंग सिखाने के लिए। बिल्कुल ये बात, मैं इनको चाहता हूँ कि काम करो आगे बढ़ो ये बस भाई साहब यहीं पे पबजी खेल रही बस बंद कर दी, किमें बनाऊंगा लोग मैंने पता ही नहीं है, आप इसलिए फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ, आप लोगों ने सारे देख ही रहे हो ये वीडियो। हाँ जी लाइक सब्सक्राइब कर देना, मस्ती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है सबने लाइक सब्सक्राइब करना। ये देख रहे हो ये मीनार है ये वाला, अगर इसके ऊपर जाने की उन्होंने दी इजाज़त, अगर ओपन हुआ तो ऊपर जाएंगे, ऊपर का बड़ा, हाँ ऊपर जा सकते हैं, देख रहे हो ये गोल्ड की है, ये गोल्ड की मूर्ति लगी हुई है, समझ रहे हो, जिन्हें इन्हें ला लिया ना, समझ रहे हो, वो फिर भैन दी सी बिलियनेयर है। और इधर माजिद भाई कही है ये चुच ये ख़राब हो चुका है, मैं यकीन माने थे ना उसे मोबाइल पे कर लेनी थी। हेलो बल्कि मैंने पूछा है उससे कि कब तक ये ओपन है, तो वो कह रहा है कि तकरीबन 9:45 तक ओपन है, 9:45 तक ऊपर जा सकते हैं। तो अभी सूरज ना है यहाँ पर ऊपर, क्योंकि सूरज इस तरह से ग्रूब हो रहा है, मगर अभी भी काफ़ी ज़्यादा धूप है, ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा धूप लगेगी क्योंकि सूरज के करीब हो जाएंगे ना, काफ़ी ऊँचाई है। किधर गए हैं पता नहीं, कहाँ गायब हो गए, अभी यहाँ पर खड़े थे, वो कितने कैंपिंग कर गए हो, गायब हो गए, मिल नहीं रहे मुझे माजिद और ईशाना और सारे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लो भी पब्लिक आ चुके हैं हम करीब, ये इन्होंने बंद किया हुआ है, इसकी रिनोवेशन हो रही है, अंदर जाना था यार, ये काफ़ी प्यारा बना हुआ है, तो इसके ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ पर सारा ऊपर सारा जा सकते हैं। ईशान विद 99 अदर्स। लो पब्लिक एक और सुन रही थी शैल अब कीजिए। अच्छा पब्लिक देख रहे हो ये इतना पुराना है ये पिलर बना हुआ, ये अच्छा ये तीन जो पिलर लगे हुए हैं ना बैद, ये यहाँ के जिस तरह पाकिस्तान में नहीं है मीनार पाकिस्तान आज़ादी के, ये इनके आज़ादी के कोई निशान है, ये तीन मैंने उस दिन हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, ये जो तीनों पिलर बने हैं ना पब्लिक, ये वाले मैं दिखाता हूँ, एक ये वाला, एक ये और एक वो, ये तीनों इसके कोई हैं हाँ, मगर ये किसी चीज़ पर लगे थे, ये मुझे ये याद है, मैं वीडियो सुन रहा था उस दिन, क्या ईशाना व्लॉग बन रहा है, इधर इधर व्लॉग बन रहा है, इधर फोटो शोटो खिंचियाँ जा रही हैं। अब हम जा रहे हैं वो प्यासी की तरफ जिसकी आपको बात हुई थी, तो दिखाएं चलते हैं आज दिखाए थोड़ा सा भी इंट्रो दो जी। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो अब टिकट लेते हैं यहाँ से फिर जाते हैं ऊपर, पता नहीं अब ऊपर मेरी जेन में नहीं है, लिफ्ट जाती है या पैदल जाते हैं। बेसिकली ना ये है, ये लिखा हुआ है कंपनेलो दी सन मार्को, मतलब घंटाघर, जिस तरह घंटाघर नहीं है सियालकोट में भी है, गुजरांवाले में भी है, इस तरह ये घंटाघर है। तो अब हम जा रहे हैं जी ऊपर, टिकटें ले ली हैं हमने, पर स्कैन करते जाएंगे तो यहाँ पे मेरी टिकट बच जाएगी, नहीं लगी आपके लिए, वो कह रहे हैं कि जरा वेट कीजिए, उन्होंने बोला बेटा तू यूट्यूबर। अब बाकी है बारी मेरी, लेट्स गो, चले गए हाँ जी आगे। अच्छा यहाँ पे लिफ्टें हैं, लो जी लिफ्ट में जाने लगे हैं, तो लेट्स गो, ये आ चुके हैं हम ऊपर।
ये सारा बना है भाई, सब टावर ऐसे बना हुआ है। अभी मैं आपको ना घंटियाँ दिखाता हूँ, जब लगी है ना घंटियाँ, तो घंटे लगे हुए हैं, इतने इतने बड़े हैं। ये सीढ़ी है, ये जो ऊपर और जाती है सीढ़ी ना, इस तरह की लोहे की सीढ़ी नीचे से आती है कंटिन्यू। यहाँ से अगर शायद नज़र आ रहा हो, यहाँ से देख रहे हो ये सीढ़ी, नहीं तो नज़र नहीं आ रहा, कंटिन्यू सीढ़ी ना नीचे जाती है। सीढ़ियाँ बंद कर दी हैं क्योंकि वो पुरानी हो चुकी हैं बहुत। पब्लिक ये देखो भाई, भाई इतने बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी चेक करो, चेक कर रहे व्यू, ये सारा वहाँ तक शहर जाता है समुंदर के ऊपर ना, ये सारा समुंदर है दूर दूर तक। वो देख रहे हो, अगर मैं आपको दूर तक दिखाऊँ, ये सारा, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे ना सारा, इसके पीछे ये आगे सारा वो आ जाता है, वहाँ पे आगे बड़े क्रूज शिप चलते हैं। यहाँ पे भी क्रूज शिप चलते हैं मगर अभी आज कोई है नहीं है। जो चर्च था नीचे वाला जो बंद था, जिसकी रिनोवेशन हो रही है, वो था ये। ये देखो इस तरफ सारा शहर बसा हुआ है। ये बहुत बड़ा सिटी है और ये बहुत पुराना सिटी है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है। और ये मैं हूँ, मास्क उतार देते हैं क्योंकि अब मास्क की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। माजिद भाई और ईशान पता नहीं कहाँ गया, मैं उनको ज़रा ढूंढता हूँ वो किधर गए हैं। और जी कैसा लग गया फिर? चस है कि वो पास नहीं देखे, दूसरा पास मास्क ला दे, जरूरत नहीं आते। अच्छा ये देखो, ये देखो ये एटेक स्कोप है, एटेक स्कोप नहीं, ये मिसाइल के लिए है। यहाँ पे किसी ने जाना है तो बोट के साथ ही जा सकता है। ये जो केजा बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ है, ये चर्च है, चर्च केजा बना हुआ है। यहाँ पे एक ना वो बहुत बड़ा स्टैचू भी है, जो ऐसे करके नहीं, जो कौन सी कंट्री में जो ऐसे हाथ फैला के खड़ा होता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी? नहीं नहीं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है वो, शायद उधर बना हुआ है कहीं, जो व्हाइट कलर का स्टैचू नहीं, बहुत बड़ा हाथ खोल के खड़ा होता है। यहाँ पे उसका छोटा उन्होंने बनाया होगा, क्या नाम है उसका, रियो का, रियो का, पता नहीं कौन सी कंट्री में। लो जी हम आ चुके हैं ऊपर से, बड़ा मजा आया ऊपर, फुल बेहतरीन व्यू था, मज़ा आ गया, पैसे पूरे हो गए आने के यहाँ पर विनेजिया। तो आप बताना आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग, आप ये जो मैंने बनाया है पहला, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ट्राई किया मैंने व्लॉग बनाने की। अगर कोई गलती कोताही होगी तो उसको माफ़ करना, दरगुजर करना, बाकी जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। मैं कोई इतना प्रोफेशनल व्लॉगर तो हूँ नहीं, फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया मैंने। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा तो फिर भी कर देना यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, देखेंगे कब बनाऊँगा अब मैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर कर देना, मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।